अरे कृष्णा, मैं भुवन सुंदरी राधा देवीदासी गोविंदास क्यूजिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत लंबे अरसे से काफ़ी लोग को कन्फ्यूज़न है और हमें भी कि ईष्ट जो है वो हम भगवान जी को भोग लगा सकते हैं या नहीं। तो वैष्णवा कुकिंग स्टैंडर्ड के अनुसार ठाकुर जी को यानी कि मंदिर में डेटीज को ईष्ट का भोग नहीं लगा सकते, पर कई बार हम मंदिर से या फिर बाहर बाजार से ब्रेड लाकर उसका उपयोग करते हैं। तो बाहर से खरीदने की जगह पर क्यों ना वही ब्रेड हम घर पर बनाकर उसका इस्तेमाल करें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फोकाशिया ब्रेड। यह जो ब्रेड है वह ओवन बेक्ड ब्रेड है और फ्लैटन होती है। यह ब्रेड का इस्तेमाल आप सैंडविच बनाने में या टोस्ट बनाने में या कोई स्टार्टर्स बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा कप जितना गर्म दूध लिया है मिक्सिंग बाउल में। उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच जितनी चीनी, चुटकी भर नमक, 1 टेबलस्पून जितना इंस्टेंट ड्राई ईस्ट मिक्स कर लेंगे। और इंस्टेंट ड्राई ईस्ट ही यहाँ पर यूज़ करना है। ढक देंगे और 20 से 25 मिनट तक इसे रख देंगे। 20 मिनट हो गई है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम से फौत जैसा हो गया है। यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लेंगे बड़ा सा, एक स्ट्रेनर लेंगे, उसमें हम छान लेंगे 3 कप जितना मैदा। मैदा को छानना बहुत ज़रूरी है, आप सेल्फ रेजिंग फ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी में इस्तेमाल की गई सारी सामग्री की लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। 1/4 चम्मच जितना नमक डालेंगे, एक बार रफली मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो ईस्ट का मिक्सचर प्रिपेयर किया था, रेडी करके रखा था, वह इसमें मिला देंगे। मिक्स कर लेंगे। ईस्ट को हमने 20 मिनट के लिए रख दिया था दूध में मिलाकर। उसके बाद आपने जो उसका टेक्सचर देखा था वह आना बहुत ज़रूरी है। अगर वह टेक्सचर नहीं आया है तो आपको समझना है कि वह ईस्ट जो है वह एक्सपायर हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप जितना पानी, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे और इसका एक सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। तो 3 कप मैदा लिया था और उसमें 1 कप जितना पानी मिलाकर आटा तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे और इस आटे को हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लेना है। एक सॉफ्ट डो रेडी करना है। 2 मिनट हो गई है, हमने आटा जो है वह अच्छे से गूंद लिया है, अभी बिल्कुल तैयार है। हाथ पर थोड़ा सा तेल लगा देंगे, आप चाहे तो ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको एक राउंड सा शेप दे देंगे। एक बड़ा बाउल लेंगे और उसको भी तेल से ग्रीस कर लेंगे। जो आटा रेडी किया था वह रख देंगे। उस पर भी थोड़ा सा तेल लगा लेना है। यहाँ पर हमने मसलिन क्लॉथ लिया है, एक कॉटन सा कपड़ा लेना है और उससे ढक देंगे। ढककर इसे 2 घंटे के लिए कोई वार्म प्लेस पर रखना है जहाँ से ज़्यादा हवा ना आती हो।
2 घंटे के बाद आइए चेक कर लेते हैं। अब देख सकते हैं इसका टेक्सचर डबल हो चुका है। एक बार फिर से हमें इसे मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं आप हाथ पर। थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और मिक्स कर लेंगे ताकि वह ज़्यादा चिपचिपा सा ना हो। यहाँ पर ब्रेड बनाने के लिए यह एक फ्लैट ब्रेड है, तो एक ऐसा मोल्ड लेंगे और उसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है और आटे को इस तरह से थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे। पूरी ट्रे में इस तरह से फैला देना है। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ऊपर से। आप कोई भी मोल्ड में इसे बना सकते हैं। उंगली की टिप से इस तरह से डिंपल्स बनाने हैं, खट्टे कर देंगे। यहाँ पर इस ब्रेड को हम थोड़ा सा वेजिटेबल्स से गार्निश कर रहे हैं, तो टमाटर की रिंग ली है, थोड़े से ऑलिव्स, कुछ कैप्सिकम, आपकी चॉइस के वेजिटेबल्स ले सकते हैं जैसे कि स्वीट कॉर्न भी। यहाँ पर एक गार्डन थीम दी है, आप चाहे तो आपकी चॉइस का कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर नो ऑनियन नो गार्लिक ऑरेगानो लिया है, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। चिली फ्लेक्स लिया है, उसे भी थोड़ा स्प्रिंकल कर लेंगे। इसको फिर से हमें कवर कर देना है और आधे घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि वो फिर से थोड़ा सा फूल जाए। आधा घंटा हो चुका है, आइए चेक करते हैं। थोड़ा सा फूल गया है अभी। अब अपनी ब्रेड जो है वह बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। 180 डिग्री सेल्सियस पर ओवन को 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेना है और उसके बाद ब्रेड को 180 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट के लिए इसे बेक करना है। बेक करने रख देंगे और 15 मिनट के बाद उसको थोड़ा सा चेक करते रहना है ताकि वह जल ना जाए, क्योंकि हर एक ओवन की कैपेसिटी अलग रहती है। यहाँ पर टोटल 20 मिनट हो गई है, आइए चेक कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं ब्रेड बिल्कुल तैयार है, उसे बाहर ले लेंगे। 5 मिनट के बाद इसे वायर रैक पर रख देना है और उसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। अभी 10 मिनट हो गई है, आप देख सकते हैं कि ब्रेड जो है वो अच्छे से बेक हो गई है सभी साइड से। तुलसी पत्र रखकर भोग लगाएंगे। ब्रेड को कट कर लेंगे। यहाँ पर आप ब्रेड का टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम सॉफ्ट है और इसे आप वॉर्म या फिर इसकी सैंडविच बनाकर, इसकी चीज़ ब्रेड बनाकर इसे सर्व कर सकते हैं या ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको बुगर रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि बुगर रेसिपीज आपको मिलती रहे। हमेशा जपिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।